हाय दोस्तों, स्वागत है आपका एक यारों के रिएक्शन में। और आज हम एक नए सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं, विच इज अबाउट मसीहा। वो एक नए पैगंबर की बात हो रही है, और ये कब से शुरू हो रहा है, ये बहुत पुराने समय की बात है, जब रोमन और यहूदी का वक्त चला करता था। और उस समय भ्रष्ट रोमन बेसिकली चल रहे थे, और हेरोडियन यहूदियों के मामले चला करते थे। तो उस समय एक पैगंबर ने बेसिकली कुछ सलाह दिए और उसका विरोध किया। तो ये स्टोरी उस पर बेस्ड है, बड़ा अमेजिंग होने वाला है। आप में से बहुत लोगों ने मुझे सजेस्ट करा है, खास करके इस्तानबुल के लोगों ने, खास करके दुबई के लोगों ने, सऊदी अरेबिया से सजेस्ट करा है, ऑस्ट्रेलिया से सजेस्ट करा है, और यूएस से सजेस्ट करा है कि दैट आई शुड वॉच दिस सीरीज एज वेल। तो मैंने सोचा कि इसका एक एपिसोड देख लेते हैं कि कैसा एक्चुअली ये आता है। तो आई एम श्योर आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं ना थ्रू दिस इन्फॉर्मेशन। और मैंने कभी नहीं सोचा था, मतलब मुझे रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। आप लोग जो टॉपिक सजेस्ट करते हैं उसके बेसिस पे मैं रिसर्च भी कर लेती हूँ। तो इतना कुछ जानने को और सीखने को मिल रहा है, सो आई एम वेरी ग्लैड। थैंक यू सो मच फॉर दिस। आइए इसका पार्ट वन पहले शुरू करते, देखते कैसा होने वाला। अगर इंटरेस्टिंग हुआ तो डेफिनेटली हम इसे भी हमारी लिस्ट में काउंट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जब हजरत मरियम के बेटे 30 साल के हो गए, तो एक दिन वो अपनी वालिदा के हमरा यरूशलम के गिर्दो नवाह में वाके कोहे जैतून पर गए, ताकि इस पहाड़ के फलों से लदे हुए दरख्तों से कुछ जैतून तोड़ लें। जोहर के वक्त नमाज के दरमियान ईसा जब इन अल्फाज को अदा कर रहे थे, कि ऐ मेरे परवरदिगार, अपनी रहमत के जरिए नागाह एक रोशनी ने उनको घेर लिया, साथ ही फरिश्तों का एक जम्मे खफीर मिलकर कह रहा था कि यकीनन खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। फिर वही खुदा के अमीन हजरत जिब्राइल ने हजरत ईसा के सामने एक किताब पेश की, जो कि गोया एक चमकता हुआ आईना थी। उसी दौरान मरियम के बेटे के कल्बे मुकद्दस पर इंजील नासिल हुई। उसके बाद रूहुल कुदस हजरत ईसा को मशरिक की जानिब उर्दुन के बियाबा में ले गए। उस पुरसुकून खलवतगाह में ईसा ने 40 शबों रोज तन्हाई, भूख और प्यास को बर्दाश्त किया। इस दौरान वो दिन में रोजे रखते थे और रातों को दुआ व मुनाजात में मसरूफ रहते थे। सहरा की सर्द और अंधेरी रातों में इब्लीस अपनी मुख्तलिफ सूरतों में मरियम मुकद्दस के बेटे के सामने जाहिर हो जाता था। सिर्फ खुदा ही है जो उन मोजज़ात को जो आज के बाद तुमसे जाहिर होंगे,
अंजाम दे सकता है। लाइलाज बीमारों को शिफा देना किसके बस की बात है, सिर्फ खुदा के बस की। हर बार ईसा लाहौल पढ़कर उसे अपने से दूर भगा देते थे। तुम अजमत की उन बुलंदियों पर पहुंच गए हो कि बिन बाप के पैदा हो गए ए ईसा। दूर हो जा हैरानदे दरगाह इलाही। तुम ऐसी हस्ती हो कि तुम्हारी खुदाई इस मकाम पर पहुंच गई है कि तुम पानी पर भी चल लेते हो। इस इम्तिहान के बाद ईसा यरूशलम की जानिब वापस आ गए। मरियम मुकद्दस के बेटे ने कोढ़ में मुब्तिला एक शख्स को देखा जिसे इल्हाम के जरिए मालूम हो गया था कि ईसा अल्लाह के नबी हैं। तो उस रंजीदा आदमी ने गिरिया औजारी की हालत में अपने जिस्म की सेहत के लिए ईसा इब्ने मरियम से दरखास्त की। जब नुज़ूले इंजील का सिलसिला मुकम्मल हो गया तो हजरत ईसा जान गए कि बनी इज़राइल के लिए उनकी पैगंबरी का आगाज हो गया है। फरजंदे मरियम, ए ईसा, बेहतर है कि आप जीने की बुलंदी पर पहुंच जाएं ताकि लोग अच्छी तरह आपकी जियारत कर सकें। और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो लोग सुन लें। मुबारक है उस खुदा का नाम जिसने इंसान को मिट्टी से पैदा किया और उसे आमाल पर मुकम्मल इख्तियार दिया। मुबारक है उस खुदा का नाम नामी जिसने तरके उला पर इंसान को फिरदौसे बरी से निकाल दिया। मुबारक है उस खुदा का नाम नामी जिसने अपनी मखलूक पर अपनी रहमत का सिलसिला जारी रखा और अपने पैगंबरों को उनकी हिदायत के लिए भेजा। मुबारक है उस खुदाए पाक का नाम जिसने अपने बंदों को हर तरह के शर से आज़ादी अता की और ज़मीन की वसुअतें उसके हवाले कर दी, जैसा हमारे जद इब्राहिम और उनके फर्जंद से अबद तक के लिए वादा किया। मुबारक है उस खुदा पाक का नाम जिसने अपनी पाकीज़ा शरीयत अपने बंदे हज़रत मूसा कलीमुल्लाह के ज़रिए हम तक पहुँचाई ताकि शैतान हमें फरेब न दे सकें और हमें रूए ज़मीन पर मौजूद तमाम कौमों पर बरतरी अता फरमाई। तो ऐ भाइयों, अब हम क्या करें जिससे अपने गुनाहों के अजाब से बच जाएं? ये सच है कि मैं तुम्हारे लिए इल्म और हिकमत लेकर आया हूँ ताकि जिन बातों पर तुम आपस में लड़ते रहते हो उनकी हकीकत तुम्हारे लिए वाज़ेह करूँ, तो तुम खुदा का तकवा इख्तियार करो। सिर्फ वही है जो तुम्हारा खुदा और परवरदिगार है। कमाल खुलूस के साथ उसकी इबादत करो क्योंकि सिर्फ यही सिराते मुस्तकीम है और इसीलिए मेरी तालीमात पर अमल करना बजा और मुनासिब है। और जो शख्स भी खुदा यकता के बारे में शिर्क करेगा, खुदा बंदे आलम ने जन्नत उसके लिए हराम कर दी है और उसकी जगह जहन्नम है। फिलिस्तीन सन 30 ईस्वी में। इसे कौन खरीदेगा? इसे देना, जरा देखूं तो। जनाब खरीदेंगे? नहीं, हम यहाँ हर चीज को नहीं लेते, इसकी कीमत अहम है। बहुत बेशकीमती है। तुम अपने सिक्के दो, जरा देखूं तो। इसे ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। उठाओ इसे। तुम चाहते हो वो सिक्का चलता है जिस पर मावत का नक्श गड़ा हो। 3 सिक्के दूंगा। नहीं जनाब, इसकी कीमत इससे कहीं ज्यादा है।
इतने सारे पैसे पड़े हुए हैं और मैं इधर उधर सरगर्दा हूँ। वाकई तुमसे बईद है असगर यूदी। शायद माबत की तरफ किसी बाजार में अपने लिए कोई काम तलाश कर सकूं मैं। लगता है ये तो वही है। अस्सलामु अलैकुम। आप ही हैं यकीनन यहूदियों के मशहूर सर्राफ। आप कौन हैं जनाब? मैं मैं यहूदा असगर यूती हूँ। अच्छा, तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैंने समझा कि आप मुझे पहचानते होंगे। एक यहूदी यानी एक खानदानी इब्रानी हमेशा हर चीज से पहले अपनी शनाख्त को जाहिर करता है। इस बात को मत भूलना। ठीक है, पैसे कितने पैसे? यकीन मानिए ये पैसे कमाना तो बहुत मुश्किल है। मुश्किल? एक बात बताइए, ये क्या काम है जो आप करते हैं? मेरी समझ से तो ये बाहर है। ये कैसी अकलमंदी? जरा ये तो बताओ कि तुम सिक्के चेंज करने आए हो या मेरा सर खाने? नहीं, मेरे पास चेंज करने के लिए सिक्के तो नहीं है, यानी कि मैं अपने साथ लाया ही नहीं हूं। अगर आप मेरे ऊपर एक एहसान कर दें, यानी अगर मुझे बता दें कि सिक्कों को सिक्कों से क्यों बदलते हैं, तो मेरी बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। मुझे तो ये काम वक्त की बर्बादी लगता है। गलती कर रहे हो। जरा बताना इन सिक्कों पर कौन सा नक्श खुदा है? यहूदी मुखालिफ मलून खूंखार सेजार तबरियुस का नक्श है। शाबाश। और अब ये देखो, इस पर क्या खुदा है? साफ साफ दिख रहा है कि शेर का नक्श है। ये तो बिल्कुल वाज़े है। इन सिक्कों पर इंसान या किसी हैवान की तस्वीर खुदी हुई है, जो कि किसी सिक्के पर मुनासिब नहीं है, यानी हकीकत में हराम है। इसीलिए हम इन्हें माबद के पैसों में बदल लेते हैं और फिर दोबारा ले जाकर ढाल लेते हैं। आज क्या बात है? आज यहूदिया के रूमी जनरल गवर्नर पैलातस की तशरीफ आवरी का दिन है। हम भी आज अपनी बदबख्तियों का जश्न मना रहे हैं। तुम्हारी शक्ल सूरत तो यहां वालों से नहीं मिल रही। अजनबी हो क्या? नहीं, ज्यादा अजनबी तो नहीं। किसी की तलाश है क्या? हाँ, तुमने बताया आज कोई आने वाला है? जनरल पैलातस, रोम का बदमाश हाकिम, हम बदबख्तों का सरपरस्त। कुछ अरसे यरूशलम में टिक जाओ, सब समझ जाओगे, फिक्र मत करो। इतना काफी है कि इनके किसी खुदा के खिलाफ कुछ बोल दो या पैलातस के खिलाफ। तुम्हारा काम तमाम। जर्जटा की पहाड़ी पर ले जाकर तुम्हें सलीब पर लटका दिया जाएगा। जर्जटा की पहाड़ी का नाम सुना है? जानते हो कहाँ है? जर्जटा? हाँ, जर्जटा। तुम्हारा नाम क्या है? यूसुफ लाबी, किब्रीस का रहने वाला हूँ। तुम्हारी वजह कता से तो पता चल रहा है कि कायदे के आदमी होगे। मैं शमून पत्रोस, अब्दी मछेरे का बेटा हूँ। शहर जलील से दक्का के लिए मछलियाँ लाता हूँ। आज जरा होशियार रहना, लगता है जैलूत वाले गड़बड़ करना चाह रहे हैं। जैलूत वाले? अरे वही माहिर खंजरबाज। जानते हो, अगर वो लोग मुत्तहिद हो जाएं तो समझ लो यरूशलम का काम तमाम। अपना ख्याल रखना मेरे प्यारे दोस्त, ये यरूशलम है।
मंसूबा अच्छा है। ये बाजार शोरिश के लिए बेहतरीन जगह है। क्या करना चाहते हो? दुकानें बंद करा देंगे, बाजार में भगदड़ मचा देंगे और बाजार की भीड़ भाड़ और गर्दोगुबार में रूमी कुत्तों का खात्मा कर डालेंगे। रूमियों को कत्ल करना सही नहीं है, वो भी उसी दिन जिस दिन पहला तस आ रहा हो। टिनोफोस ने अब तक हमारे 40 आदमियों को मार डाला, उसके दिल में जरा भी रहम नहीं है। क्या तुम नहीं जानना चाहते हो? डरो मत, वो अपनी बीमार बेटी की फिक्र में है, उस पर फालिज का असर हो गया है। अब रूफोस पहले वाला रूफोस नहीं है। यूसुफ, तुमने अब तक कोई रूमी मारा है? नहीं। हजरत याहिया को उन्होंने ही कत्ल किया है। अगर तुम हजरत याहिया के हकीकी हवारियों में से हो तो तुम्हें अपने उस्ताद के खून का बदला तो लेना ही होगा। मौके की तलाश में तो हूं ताकि इंतकाम ले सकूं, लेकिन इन रूमियों के कत्ल से कुछ भी दुरुस्त नहीं होगा, फकत हालात खराब हो जाएंगे। तुम्हें क्या मजा आएगा कि एक आदमी की लाश के बदले इब्रानियों को सलीब पर लटका हुआ देखो? अब इन बातों का वक्त नहीं है। रूमी कत्लेआम पर आमादा हैं। हमारे तुम्हारे खुदा से भी खौफ नहीं खाते, बेवजह हम सबको कत्ल कर डालेंगे। ये यहूदिया है। पैगंबर बाजी का भी दौर खत्म हुए, अब जमाने गुजर गए हैं। अस्कर यूती, तुम्हारे लिए खतरनाक काम है। डर रहे हो? मैं नहीं, क्या किसी को मारना है? तुम नहीं, वो ये काम करेगा। रूमी पहरेदारों को घोड़ों की तरफ खींच लाओ, इससे पहले कि वो मलून दाखिल हो। जरूरी है कि कत्ल हो जाओ? इतनी भी अपनी जान की फिक्र मत करो यहूदा। पैलातस के इस्तकबाल के दिन एक कुर्बानी तो पेश करनी ही चाहिए, ये तो वाजिबात में से है। सुन लो, और कुर्बानी स्वर की ही होनी चाहिए, ये रूमियों की रस्म रही है, समझे? कमांडर साहब, एक बात कहनी, वो दो लोग, वो शायद कोई गलत हरकत करना चाहते हैं, आपके घोड़ों की तरफ गए। मेरे ख्याल से तो वो माहिर चाकूबाजों में से हैं कमांडर साहब, और आपके घोड़ों को चुराना चाहते हैं। जरा देखना कौन आया है कमांडर साहब। तुम दोनों यहाँ मिलकर क्या गुल खिला रहे हो? आपके शब घोड़ों का नजारा कर रहे थे जनाब प्रगतू राजम साहब। मेरा मजाक उड़ा रहे हो? असल में हम चाहते हैं कि आपको भी गाड़ी में जोतकर पिलातस के पास भेज दें। अभी पता चल जाएगा। सिपाहियों, भाग लेने पाए, पकड़ लो इन्हें, पकड़ लो इन्हें, पकड़ो। मैं तुम्हें खुद ले चलूंगा जर्जेटा। चल मुकद्दस चाकूबाज। अरे सिपाहियों सुनो, इसे अंतोनिया ले जाओ। काले कुएं में तुम्हें बहुत मजा आएगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, तुम एक अच्छे इब्रानी हो। नाम क्या तुम्हारा? यहूदा, यहूदा असगर यहूदी। कहां के रहने वाले हो? फरियूद के पास का रहने वाला हूं। जरा बताना, तुम तो इनके साथ नहीं थे। मैं नहीं, यही जैलूत तो यहूदियों के लिए दर्दे सर बने हुए, किसी पर भी रहम नहीं करते। इनकी असली जगह तो सलीम है हुजूर। अब ये होगा। अच्छा, आप जो फरमाए हम ताबे। ठीक है, और हाँ, अगर फिर कोई मशकूक आदमी नजर आए तो मेरे पास चले आना।
मारो 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 उसे मारो उसे मारो उसे। ये सिक्का ले लो और जाओ इसे रूमी सिपाही को दे दो, उससे कहो कि हमारी दुकान का ख्याल रखे। अरे अबू इसान तुम? हाँ मैं। तो फिर तुम क्या समझ रहे थे शमून अस्खरियुती के बच्चे? ए लड़की, कुछ पता है तुम क्या कर रहे हो? चंद दिनों के लिए हम सराफों के दरमियान गुजारते हो तो सराफों जैसे बनते हो। खूब तमाशा कर रखा है, बड़े चालाक बनते हो, बड़ा शातिर दिमाग है। कभी चाकूबाजों की टोली से तुम्हारी खबरें आने लगती हैं और अब मुर्गों की लड़ाई देखने के बहाने तुम सैयाओं की जेबों को खाली करने का इरादा रखते हो। यकीन करो, सिर्फ मुर्गों की लड़ाई देखने आया था। रोमियो के लिए चाकू तेज कर रहे हो? मैं कसाई हूँ, लोगों के लिए बकरा ज़िबा करता हूँ। मेरा ग्राहक पिलातस हो या काहिने आज़म, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल तो दोनों एक साथ ही हैं। क्या हुआ, फिर दर्द सर की तलाश में हो बार-बार? तुम्हारे खंजर ने तो मेरी फितरत जगा दी है। वापस करो। मेरे लिए एक कुर्बानी का बकरा 10 रोमियो की लाशों से ज्यादा कीमती है। तो फिर इन लोगों को गुलामी से कौन निजात दिलाएगा? ठीक है, तो खूब तमाशा देखो। ए सुलेमान और दाऊद के दारुल खिलाफा यरूशलम वालों, ए बदबख्त यहूदियों, जरा देखो तो क्या दिन आ गए हैं। अपने अपने खंजर निकाल लो और रूमियों का कत्लेआम कर डालो। एक एक को जिंदा मत छोड़ना, मार डालो सबको। हाँ, यही जरूरत है वक्त की। जनरल पंतुस, पिलातस दाखिल हो रहे हैं। जनरल पिलातस के एहतराम में होशियार। तबरियुस के नुमाइंदे जनरल पंतुस पिलातस के एहतराम में होशियार। ठीक है हुजूर, कुर्बोजवार के बहुत से लोग आपके इस्तकबाल के लिए आए हैं। इस्तकबाल? अपनी मर्जी से इस्तकबाल आदरयान? क्या अर्ज करूं हुजूर। अच्छा ये बताओ, शहर के क्या हालात हैं? यरूशलम को हुजूर कभी भी सुकून करार नहीं, हमेशा इस्तराब में और किसी हादसे के इंतजार में रहता है। हादसा? कैसा हादसा? ऐसा हादसा जो हालात को हमेशा के लिए बदल दे। अवाम के हौसले बुलंद हैं। जी हाँ, ऐसा ही जैसा आप फरमा रहे हैं। ये वहां पर क्या हो रहा है? बाजार है हुजूर, हंगामा कर रखा है, माहिर चाकूबाजों की हरकत है। चलो चलो आगे चलो, 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 चलो।
आगे बढ़ो। ये शहर, इस शहर से हमेशा बदबू आती है, हमेशा। इस शहर से आने वाली आहें काहिनों को लगती हैं। ओ बदबू, ओहो, इस गंदे नाले की बदबू से मेरा दम घुट रहा है। होशियार। अच्छा, नई खबर क्या है? अवाम का कहना है कि नए पैगंबर का जहूर हो गया है। जहूर हो गया है? जी हाँ। क्या वो खुदाओं में से है जो जहूर करेगा? ऐसा तो नहीं कि तुम अगले गवाह बैठे हो अदरियान? नहीं हुजूर, मेरा मतलब ये था कि ये अवाम का अकीदा है। बहुत खूब, काफी है, अंदर चलते हैं, बाद में मुझे बताना। जनाब, पिलातस ने आपकी तरफ तवज्जो ही नहीं दी। समझ गया, बेरुखी का इलाज बर्दाश्त है। फिलहाल उसे इत्मीनान से अपने घोंसले में घुसने दो। जनरल, आप रोम से वापसी पर बहुत थक चुके हैं। जिस मुद्दत में आप रोम में तशरीफ रखते थे, यहाँ बहुत सारी चीजें बदल गईं। अब यहूदिया भी वो पहले वाला यहूदिया नहीं रहा। इन सब की हालत और चेहरों से मुतनफिर हूं मैं। और मैं तुम्हें बता दूं लंतूस, कि मैं इस वक्त दिल ही दिल में चाह रहा हूं कि कब रूम वापस चला जाऊं। जनरल, यहां की अवाम मुल्क के दूसरे इलाकों की अवाम से बहुत मुख्तलिफ है। ये लोग इस शहर और अपने माबत से एक अजीब लगाव रखते हैं। किसी भी सूरत में हमें इस बात की इजाजत नहीं देनी चाहिए कि बादशाह की तौहीन करें। ऐसा कोई काम ना हो कि ये जानवर भड़कने की कोशिश कर बैठे। रिपोर्टों से पता चलता है कि बाजार में हंगामा आ रहा है, ज़ेलूतों का काम था। लेकिन इससे भी ज्यादा अहम वो नया मसला है जिसे मैं अपनी रिपोर्ट में पेश करूंगा। मैं सुन रहा हूँ, कहते रहो। सच तो यह है हुजूर कि मैं नहीं चाहता था कि इतने तूरानी सफर से आते ही बुरी और नामुनासिब खबरों से। नहीं, कोई बात नहीं, बोलते रहो। मौजू का ताल्लुक एक ऐसे आदमी से है जो कुछ दिनों से यरूशलम में दिखाई दे रहा है और आवाम के भड़कने का सबब बना हुआ है। उसे नासरी कहते हैं, यहाँ का रहने वाला नहीं है, जलील का रहने वाला है। ठीक है, लेकिन हमारे लिए इसकी क्या अहमियत है? जलील तो हेरोदस कलमरो में आता है, खुद उसे इन कमीनों से निपट लेने दो, इसका हमसे कोई ताल्लुक ही नहीं है। लेकिन हमारे आका, ये आदमी नासरी यरूशलम में अजीब अजीब काम अंजाम देता है और ये आपकी कलमरों में शामिल है। यहूदिया के अवाम इस आदमी के बहुत ज्यादा करीब हो चुके हैं, कभी कभार वो इस शहर में आता है। माबत के मुतवल्ली उसे अपने लिए खतरा समझते हैं। अच्छा है, धीरे धीरे मुझे ये सब अच्छा लग रहा है। मेरे आका, मेरी दरख्वास्त है कि इस सिलसिले में कुछ गौर फरमाइए। जिस दौरान आप यहाँ नहीं थे, बहुत से वाकयात रूनमा हुए, याह्या के कत्ल के दास्तान से लेकर जुरात अमल। हाँ, याह्या, यहूदा के पैगंबर, हेरोदस के हाथों की कुर्बानी। मैं पूरे एक महीने सेंट बादशाह के मुश्तरका तहकीकाती कमीशन में जवाब दे रहा था, समझ रहे हो तुम? ये मर्द अजनी फिरके के कट्टर साहिदों में से एक है, या फिर ज़ैलूत के चाकूबाजों में से। हुजूर, कौन सा? इत्तफाक से सारा राज तो इसी में है। वो एक आम वरगलाने वाला नहीं है, ना तो उसके पास कोई चाकूबाज है और ना ही कोई दारु कलीसा। उसकी वक्त शिनासी से मुझे बहुत अच्छा लगा। वो जिस किसी की भी जानिब से भेजा गया हो, बहुत सही और बहुत मौके से यरूशलम आया है। सही और बहुत मौके से यरूशलम, जिसका ना तो इस वक्त कोई लायक हाकिम है और ना ही मुखलिस रहनुमा। और यरूशलम एक शोरिस के लिए पूरी तरह आमादा है।
एक बहुत ही हकीकी शोरिश के लिए, इसलिए इस मुहम्मे को यहीं पर छोड़ दो। ठीक है आका। और सुनो, तुम्हें याद रहे रूम हमेशा कानून का पाबंद रहा है, और हम इस बात का ख्याल रखें कि हम कानून के दायरे में ही हमेशा रहेंगे। आप समझ गए होंगे? बेशक। एक बात और, आदरयान एक मोहतात और दूरअंदेश जवान है, ठीक है? आप सही फरमा रहे हैं। जरा बताना आदरयान, ये हंगामा करने वाला छोकरा, इसका नाम क्या था? नासरी। हुजूर, ईसा नासरी। नासरी? ईसा नासरी? तुम जा सकते हो। शुक्रिया। फरजंदे मरियम मुकद्दस ने अपनी रिसालत इलाहिया के आगाज में अपने पैगाम की तरवीज और इसकी नशर व इशात की गरज से हम फिक्र साथियों का इंतखाब किया। इनमें से एक यूसुफ लावी था, किब्रीस के एक दौलतमंद खानवादे से निकला हुआ एक जवान, जिसने मरियम मुकद्दस के बेटे की आवाज सुनते ही अपने प्यारे वतन से रख्त सफर बांध लिया और ईसा के शौके दीदार में फिलिस्तीन आ गया। मीलों रास्ता तय कर चुका हूं, दरिया को भी पार कर चुका हूं, और चंद हफ्तों से दर दर की ठोकरें खा रहा हूं। अंबिया इलाही की मुकद्दस जामिन नालेन की चौथी जोड़ी जो मैंने खरीदी थी, आज वो भी पहली तीन जोड़ियों में शामिल हो गई हैं। मेरी जेब भी धीरे धीरे सिक्कों से खाली होती जा रही है, लेकिन अब भी जिसके दीदार की उम्मीद में मैं सफ़र के लिए तैयार हुआ, उससे नहीं मिल सका हूँ। ऐसा फरजंद मरियम मुकद्दस, तुम कहाँ हो? आसमान के परिंदों का अपना एक आशियाना होता है, और जंगलों के वहशी जानवरों का भी एक ठिकाना, लेकिन फरजंदे मरियम के लिए कोई भी घर नहीं है। आप मेरे खुदा, आप ही ईसा फरजंदे मरियम मुकद्दस हैं? महीनों से इसी लम्हे के इंतजार में था, लेकिन यहां कैसे? मेरा नाम यूसुफ है, उब्रस के लाबियाल ख़ानदान से मेरा ताल्लुक़ है। मैं ख़तीब भी हूँ और कातिब भी। अलबत्ता आपके सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, यानी आपके बग़ैर तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरे लावी भाई, लावी हमेशा परवरदिगारे दो जहाँ के घर की खिदमत के लिए मशहूर रहे हैं। मैं भी खुदाए रहमान के खुद्दाम में से छोटा खादिम हूं। अगर उसकी मर्जी हुई तो हम और तुम वो होंगे जिसका खुदावंद आलम ने इरादा फरमाया है। मैं तुम्हें बारनाबा कहकर बुलाऊंगा।
नाइस। तो जैसे हमने देखा कि किस तरीके से बेसिकली इसमें आई थिंक ईसा मसीह की स्टोरी दिखाई जाने वाली है, और इससे रिलेटेड हमने पहले भी काफ़ी बयान सुन रखे हैं कि किस तरीके से जीसस का कनेक्शन है इस्लाम से। तो आई थिंक व्हेन वी आर गोइंग टू वॉच दिस काइंड ऑफ स्टोरी तो वो कनेक्शन हमें कहीं ना कहीं दिखने वाला है। और ईसा मसीह से पहले और बाद में ऐसा कोई भी मसीहा नहीं आया जिसे इस पर्टिकुलर टाइटल से नवाजा गया हो या आज तक पैदा नहीं हुआ है, ऐसा कहा गया। सो ही वॉज द ओनली प्रॉफिट एंड यू नो मैसेंजर ऑफ गॉड, ऐसा लोग कहते हैं। और बेसिकली हज़रत फरजंदे मरियम है, तो अभी मुझे मरियम की कहानी सुननी होगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा उनके बारे में नहीं जानती हूँ। बट यस, जैसे कि आप लोगों ने सजेस्ट करे हैं, मैंने एक दो वीडियोस उनसे रिलेटेड देखे हुए हैं, तो इसलिए मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया है। हाउ एवर जो वो यूसुफ कह रहे थे, तो आई एम नॉट श्योर विच वॉट यूसुफ इज दैट। आई एम डेफिनेटली श्योर ऑफ प्रॉफिट यूसुफ तो नहीं है, मगर आई हैव अ डाउट। सो लेट्स सी कि वो क्या कनेक्शन उनके साथ निकलता है, लेकिन जो भी है वो मज़ेदार है। और इसमें भी वही बानी इसराइली और यहूदियों की कहानी आ रही है, और इसमें वो रोमन का भी यू नो कैरेक्टर हमें देखने को मिल रहा है कि हाउ करप्ट दोज पीपल वेयर, कितने भ्रष्टाचारी थे, लोगों को भड़काने का काम किया करते थे। तो वो पूरा स्टोरी दिख रहा है, यू नो वो पूरा एरा दिखता है इस तरह की जब आप सीरीज देखते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मज़ेदार लगने वाला है, क्योंकि मुझे तो बड़ा मज़ा आया। आप बताइए आपको कैसा लगेगा, ताकि हम इसके और बहुत सारे एपिसोड्स लेके आते रहेंगे। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आने वाले हैं। मैं मिलते हैं आपसे इसके पार्ट नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।